हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन लंड्री दीदीमल। सरकारी स्कूल शिक्षक भर्ती का ऑफिशियल नोटिस जारी हो गया है, जहां पर 7,47,000 वैकेंसी ऑल इंडिया लेवल पर आ गई हैं। तो यहां पर कौन सी क्लासेस के जो है टीचर्स बनने के लिए वैकेंसी आई हैं और कहां से आई है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से ये वैकेंसी है, ऑफिशियल नोटिस है। राज्यसभा में ये प्रश्न जो किया था उसका आंसर आ गया है, टीचर वैकेंसी फॉर क्लास 1 to 8। तो यहाँ प्राइमरी और अपर प्राइमरी के लिए जो है यहाँ पर वैकेंसी है। जो भी 7,47,000 वैकेंसी है वो केवल 1 to 8 के टीचर्स बनने के लिए है। मैंने पहले भी आप लोगों को कहा था कि जैसे ही इलेक्शन का टाइम आएगा तो ये वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिलेंगी, और काफी वैकेंसी जो है वो आने वाली है ऑल इंडिया लेवल पर। तो अभी आ चुकी है, तो आप लोग तैयारी जो है स्टार्ट करें, साइड जो वर्क कर रहे हैं वो भी आप करते चलें। तो यहाँ पर 2022-23 की ही हम बात करने वाले हैं, तो अभी जो है वैकेंसी 2023 के अंत तक जो है वो ये सभी आ जाएंगी। यहाँ पर जो हमने DSSB की वैकेंसी अभी देखी थी तो वह भी इसी में इंक्लूड है। अभी PRT की, TGT, PGT की और भी वैकेंसी आएगी दिल्ली से, तो वह यहाँ पर शामिल है। ठीक है, तो यहाँ पर कुल जो है वो 5,883 जो वैकेंसी है अभी और आनी बाकी है। तो चलिए एक एक करके हम देख लेते हैं आपके स्टेट में कितनी वैकेंसी 1 to 8 के टीचर्स के लिए आ रही है 2022-23 में, तो आप जो है तैयारी कर सकते हैं। बाकी जो साइड में अगर आप कोई वर्क कर रहे हैं तो उसे करते रहें, उसके बिल्कुल भी ना छोड़े। ANN आइसलैंड से जो वैकेंसी है टोटल 1 to 8 के लिए ही है, केवल 1,038 है वैकेंसी। आंध्र प्रदेश के लिए 39,008 वैकेंसी आएंगी प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल के लिए। अरुणाचल प्रदेश में ये वैकेंसी जो है वो 492 कम है। असम में 13,217 है। बिहार में जो है आप देख रहे हैं, बिहार में आ चुकी है 1,87,209। ठीक है, और इसका जो प्रोसेस है वो चल रहा है, एग्जाम जो है वो आने को है। चंडीगढ़ में जो वैकेंसी है वो 925 है। अब पंजाब में, हरियाणा में अलग अलग वैकेंसी आ जाती हैं, तो चंडीगढ़ में जो है यहाँ पर कम नहीं है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में यहाँ पर 38,692 वैकेंसी है। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ में जो है वो सबसे ज्यादा है आंध्र प्रदेश की तरह। उसके बाद है दिल्ली में, आप देखिए यहाँ पर 5,883 जो वैकेंसी है ये केवल PRT और TGT की ही है। ठीक है, PGT की नहीं है इसमें अभी, क्योंकि 1 to 8 का जो ये पूरा जो नोटिफिकेशन है, नोटिस जो है ऑफिशियल ये जारी हुआ है। गोवा की जो वैकेंसी है वो कम है, 4 ही है केवल। गुजरात में देखिए यहाँ पर जो भी गुजरात के स्टूडेंट हैं, 19,963 वैकेंसी आपके आएगी। हरियाणा में 3,097 जो है वैकेंसी आएगी। हिमाचल प्रदेश में 1,788 वैकेंसी। जम्मू कश्मीर में 5,014 है। झारखंड में जो है सबसे ज्यादा जो है वो अभी तक की सबसे ज्यादा झारखंड में आने वाली वैकेंसी है 1 to 8 के टीचर की। इसके अलावा झारखंड में अभी सर्व शिक्षा अभियान कस्तूरबा गांधी विद्यालय की जो वैकेंसी है वो भी आई हुई है। ठीक है, वो भी काफी ज्यादा संख्या में आई हुई है। तो यहाँ पर 74,357 वैकेंसी जो है 1 to 8 के टीचर्स के लिए है। कर्नाटक में यहाँ पर 23,881 वैकेंसी, केरला में 2,018, लद्दाख में 507 और मध्य प्रदेश में जो है, मध्य प्रदेश में भी काफी वैकेंसी है 69,667। तो यहाँ पर 2022-23 की ही बात जो है वो हो रही है कि अभी इतने जो है वो पद खाली हैं और ये वैकेंसी बिल्कुल आएगी, इसी सेशन में आएगी। महाराष्ट्र में जो 18,204 है, मणिपुर में 346 है, इसके अलावा मेघालय में और उड़ीसा में और नागालैंड में कोई भी वैकेंसी नहीं है। नेक्स्ट जो है वो पंजाब में, तो मैंने बताया कि चंडीगढ़ में, हरियाणा में अलग अलग हैं, तो पंजाब में जो है 129 वैकेंसी है। राजस्थान में देखिए 25,396 जो है वो वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड, थर्ड ग्रेड की जो है वो सबसे लास्ट में आएगी, लेकिन आएगी जरूर। और 25,396 जो है वो पद हैं, यहाँ पर तैयारी जो है वो बिल्कुल आप कर दें। यदि आप कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो उसको आप करते रहें, आपकी सब्जेक्ट जो है वो और भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। सिक्किम जो है यहाँ पर कोई वैकेंसी नहीं है। तमिलनाडु में 1,753 वैकेंसी है। तेलंगाना में 11,348 वैकेंसी है। कमेटी जो बनने वाली थी वो बन चुकी है, और अब यहाँ पर जो वैकेंसी है बिल्कुल सुपर टेट की वैकेंसी भी आएगी उत्तर प्रदेश में, यूपी टेट की वैकेंसी आएगी। ठीक है, 1,26,028 वैकेंसी है, और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भी अधिक है, वहां पर बीएड स्टूडेंट भी काफी हैं। ठीक है, तो बीएड और बीटीसी 1 to 8 के लिए जो है यहां पर वैकेंसी 1,26,028 है। उत्तराखंड में जो है 10,933 है, वेस्ट बंगाल में 54,900 है। ठीक है, तो पूरे भारत में ऑल इंडिया लेवल पर 1 to 8 टीचर बनने के लिए, प्राइमरी अपर प्राइमरी जो क्लासेस के लिए
7,47,565 जो है वो वैकेंसी अभी आनी है और इसी सेशन में आएगी। राज्यसभा में ये ऑफिशियल नोटिस जो है वो जारी हो गया है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है। आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल हताश निराश ना हो, ये देखकर ही जो है वो आप लोगों को जो है वो मोटिवेशन जो है वो आपके अंदर जरूर आया होगा। और इसका जो आंसर है राज्यसभा में किसने दिया है, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने किया है, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो अभी 1 to 8 के लिए जो है वो बिल्कुल क्लियर हो गया है। तो अभी जैसे ही नोटिफिकेशन एक एक करके जो है वो हर राज्य के आने लग जाएंगे, मैं आप लोगों को बताऊंगी वीडियो के माध्यम से। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को प्रेस जरूर करें, ताकि जितने भी मेरे वीडियो बनते हैं आने वाले वीडियो की सूचना आप लोगों को मोबाइल पर मिल सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।